हेलो दोस्तों, आज 22 दिसंबर 2019 है। आज नागपुर में जो है CAA और NRC के सपोर्ट में आज RSS ने एक रैली के लिए कॉल किया था, और अभी इस वक्त बजे है 11:30 हुए हैं, और ये जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 9 से जो थे वो 8:30-9 से रैली शुरू हुई थी। मैं तब से वही था, अभी जस्ट मैं घर आया हूँ। मैं जब वहाँ पर गया, बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इसके लिए आए थे रस्तों पर, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये जो रैली है वो निकाली गई थी। और इसमें ये बहुत अच्छा लगा कि इसमें बच्चे से लेके, बुज़ुर्ग से लेके, महिलाएं थी, बहुत अलग अलग वर्ग से लोग इसमें शामिल हुए थे। इसमें काफ़ी भारी मात्रा में शामिल हुए हैं, आप आगे वीडियो में देखेंगे। और बहुत अलग अलग तरीके के नारे भी लगे हैं यहाँ पे CAA के सपोर्ट में, NRC के सपोर्ट में। मैंने कोशिश किया हूँ कि कुछ लोगों का मैं इंटरव्यू ले सकूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकूँ उन्हें CAA और NRC के ऊपर, तो वो वीडियो भी इसके बाद आपको सारे देखने मिलेंगे। और ये अभी बस 2 पहले लिए हुए सारे वीडियोज़ हैं। तो चलिए देखते हैं कि नागपुर की जो CAA के सपोर्ट में रैली हुई है, जो शांतिपूर्ण रैली हुई है, वो उसकी कुछ झलक देखते हैं। कि हम 4 की कतार में ही चलेंगे। सारे वॉलंटियर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, राष्ट्रीय समिति की तैयार आपसे अनुरोध है। तो मेरे साथ है यहाँ पे नागपुर के कुछ नौजवान, जो सुबह से मैं यहाँ पर आए हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि इन्हें ये प्लकार्ड लेकर ये सपोर्ट कर रहे हैं CAA और NRC को। तो हम जानते हैं इनसे कि ये CAA को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, अब उनका कोई और देश तो है नहीं। जैसे मुस्लिम के 100+ कंट्रीज है, क्रिश्चियंस की 100+ कंट्रीज है, और जो अपने नेबरिंग कंट्रीज में रिलीजियसली प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, तो उनको कहाँ जाना चाहिए? अब इंडिया ही आएंगे, उनका ओरिजिन यही है, तो इसलिए हम उस चीज को सपोर्ट करते हैं। आप NRC को क्यों सपोर्ट करते हैं? लेकिन NRC की तो अभी कोई गाइडलाइंस आई नहीं है। पहली चीज तो गाइडलाइंस नहीं है, दूसरी चीज घुसपैठियों का देश तो है नहीं, बिल्कुल। तो उनको 1 भी उन पे खर्च नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा बाहर करना चाहिए। इनफैक्ट बांग्लादेश ने तो बोल चुका है, हम जो भी हमारे लोग हैं इलीगली वहाँ रह रहे हैं, तो वो हम उनको ले लेंगे, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है, तो फिर ले लेना चाहिए। NRC की गाइडलाइंस है, तुरंत ऑल ओवर इंडिया NRC अप्लाई हो और ले लीजिए। हमारे देश का 1 भी इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, लीगली रिसाइडिंग इंडियन सिटीजन, मैं कोई भी धर्म का नाम नहीं ले रहा है, लीगली रिसाइडिंग इंडियन सिटीजन को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। क्या सपोर्ट करने आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे जब वो लोग NRC को नहीं सपोर्ट कर सकते, वो लोग अपनी NRC को इन्हें नहीं लाने के लिए सपोर्ट कर सकते, तो अपन भी अपने देश के लिए सपोर्ट कर सकते हैं NRC लाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन NRC के अभी तक कोई रूल्स तो आए नहीं है, तो फिर इसलिए तो अपन सपोर्ट कर रहे हैं ना कि उसके जल्द से जल्द सरकार रूल लागू करे। अच्छा, तो अगर जल्दी से जल्द लागू हो जाएगा NRC, तो उससे फायदा क्या होगा हमारे देश को? आबादी कम रहेगी, उतने जल्दी अपनी महंगाई भी कम होते जाएगी देश की। जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन इसमें श्री राम क्या करेंगे आगे? श्री राम कुछ नहीं करेंगे, तो अपना एक रहता है ना देशभक्ति का, देशभक्ति और श्री राम, देशभक्ति और श्री राम का क्या क्या लेना देना? ओपिनियन रख रहे, कोई भगवान के नारे ले रहे तो कोई देश के नहीं, तो लेकिन ये है तो देश का मुद्दा ना, तो इसमें आप भगवान क्यों ला रहे हैं? नहीं, वही तो मेरा कहना है कि ये मुद्दा तो जो है वो देश का है, तो इसमें जय श्री राम क्या करेंगे आगे? कलयुग में राम को भी तो जिंदा रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन राम जी तो जो है वो त्रेता युग में ही चले गए थे, उनका त्रेता युग में, अब वापस लाना अपना काम है, वापस लाना अपना काम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये देश का तरक्की के लिए, विकास के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन है, भारत माता की जय। ठीक है, तो आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे क्या चीज सपोर्ट करने आए हैं? हम CAA का समर्थन कर रहा है। ये CAA देश का कोई नागरिक को तकलीफ नहीं है,
सब लोग शांतिपूर्ण अपना जो सिटीजनशिप है वो कायम है। ये सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आया है वो हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, इन सब के लिए शरणार्थी। वो लोग 70 ईयर्स से देश में बेघर, विदाउट लाइट्स, विदाउट फूड, सब इसमें विदाउट फैसिलिटीज वो लोग वोटिंग राइट्स, विदाउट आईडी कार्ड्स रह रहे हैं। मोदी जी, शाह जी, इनकी जो ये है, इन लोगों को हमारा देश में रहने के लिए जगह दिया जाए। बाकी हिंदू, इंडिया का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सब लोग अपना सर, सर फिर अगर तकलीफ नहीं है तो इतने दंगे क्यों हो रहे हैं देश में? ये देश का दुर्भाग्य ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने स्वार्थ के लिए सब लोगों को भड़का रही है। फ्लोर पे वित्त मंत्री अपने होम मिनिस्टर ने क्लियर किया हुआ है ये देश किसी की नागरिकता लेने का नहीं है, विधेयक किसी नागरिकता लेने का नहीं है, ये देने का है। लेने का कहाँ सवाल उठता है? ये सब अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। एनआरसी जो है, एनआरसी को लेके ज्यादा दंगे हो रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि आप सीए और एनआरसी को साथ में देखिए, उसको मिलाकर जो हो रहा है वो दंगे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन एनआरसी के अभी तक कोई रूल्स आए नहीं है, आई नहीं है। तो फिर इसके बारे में कि हमारे देश में जो लोग संपत्ति का नाश कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं पब्लिक, ये हमारी खुद की सेल्फ संपत्ति है, हम टैक्स पेयर है और हम अपनी संपत्ति का नाश कर रहे हैं। वायलेंस क्यों कर रहे हैं हम लोग इतना, क्या मतलब है इस वायलेंस? ये देखिए, वायलेंस में सब निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। अभी का रैली देखिए कितना शांतिपूर्ण है, ये देश का विकास के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है देश के लिए, देश के लिए इतना शांतिपूर्ण रैली। और सब लर्नेड लोग हैं, बोला लर्नेड लोग, पढ़े लिखे लोग, लेडीज है, बच्चे हैं, कम से कम 10 लाख लोग अभी रैली में भाग ले रहे हैं। कितना शांतिपूर्ण रैली, भारत माता की। और जो ये सीएबी का जो विरोध कर रहे हैं उनको ये नहीं मालूम कि सीएबी एक्चुअल है क्या, उनको खाली भड़काया जा रहा है। पढ़े लिखे कम होने की वजह से वो आ रहे हैं रास्ते के ऊपर, उनको कुछ मालूम नहीं सीएबी क्या है, सीए क्या है और एनआरसी क्या है। उनको खाली भोले भाले लोगों को भड़काया जा रहा है, वो आके दंगा फैला रहे हैं। अगर उनको विरोध दर्ज करना है तो शांतिपूर्ण करें, जैसे अभी हमारी रैली है हम लोग शांति से कर रहे हैं, तो उस तरह से वो शांति से अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। मैसेज आना चाहिए, ये हमारा मेन इंटेंशन है। लेकिन अगर ये देश के लिए रैली है तो इसमें श्रीराम कहाँ से आ गए? मैंने बहुत बीच में यहाँ पे सुना है कि दिमाग से जो पैदा होता है वो कर लेते हैं, ये विश्वास है, वो कोई हमारा देश गलत भावना से नहीं बोला जा रहा, ये एक राम का नाम लेने से अगर इंस्पायरेशन मिलती है तो क्यों नहीं लेना चाहिए, इसमें गलत क्या है? आप इसको राजनीतिकरण करके क्यों देखते हैं? ये देखेंगे कि इंस्पायरेशन मिलती है और देश के हित में, याद रखिए कंट्री फर्स्ट, कोई संस्था फर्स्ट नहीं है, कोई सरकार फर्स्ट नहीं है, देश के हित में क्या चीज है वो देखिएगा, भारत देश है। तो आपने देखा कि नागपुर के लोगों के क्या विचार थे, मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं ले पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ थी वहाँ पर, बट एक आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि किस तरीके से लोग इसके सपोर्ट में उतरे हैं। और सबने ही हिंसा जो हो रही है पूरे देश भर में, उस वो हिंसा की निंदा सभी ने की है। तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन हिंसा जो है, हिंसा बिल्कुल भी एक वैलिड पॉइंट नहीं आता है किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट में। तो ये थे सारे व्यूज़ और ये था मेरा आज का वीडियो। सो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर ये अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।